Hello student, in previous class we have completed one arm and two arm lever, but here we are discussing about the bell crank lever. You can see this picture. This is the picture of bell crank lever. Bell crank lever is similar to the two arm lever, okay, but here both arm of lever situated at the some angular position and it has right angle or more than the right angle or less than the right angle, okay, and bell crank lever pivoted at the point through pin joint. This joint or pivoted portion is called fulcrum. We can see there are also two arms. One arm is effort arm and second arm is load lifted arm, and this pivoted point is fulcrum. So what are use of bell crank lever? These are used for various application, okay, various in application in automobile, yeah, in the rail locomotive, for changing of the track and etc. okay, so you can see here, we have taken rectangular cross section of bell crank lever, but you have to choose elliptical and I section, okay. So here design of the bell crank lever. First of all, load ko design करने के लिए हम यहाँ पर rectangular section को हम choose करते हैं और यहाँ पर हम notation लेते हैं. Notation हमने लिया W जो है आपका लोड लिफ्टेड है, ओके, पी जो अप्लाई कर रहे हैं एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, एल सफिक्स W जो है आपका लेंथ ऑफ या इफेक्टिव लेंथ ऑफ लोड आर्म है, एंड एल पी जो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ एफर्ट आर्म, ओके. हियर यू कैन सी व्हेन वी हैव टू यूज rectangular section, then thickness of the cross section is T and width of section is B or height of section is B, okay. So first is the determination of effort or load as per the problem. तो यहाँ पर जो हमको निकालना है एफर्ट या लोड एज पर प्रॉब्लम, जो भी अगर जैसे कि अगर आपका एफर्ट दिया हुआ है तो आप लोड निकाल लेंगे, अगर लोड दिया हुआ है तो आप एफर्ट निकाल सकते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो फुलक्रम है एफ के अबाउट हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे. तो मोमेंट अगर लेंगे तो मोमेंट हम जानते हैं कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, फलक्रम पिन, जो फलक्रम पिन है उसके अबाउट हम क्या ले रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं. तो मोमेंट होगा आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर होगा. तो इसके अबाउट लेंगे तो आप देख सकते हैं जो पी है, पी रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज अगर फलक्रम के अनुसार देखें,
और इसका टेंडेंसी होगा लोड का क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे को क्या होगा, तो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं दोनों मोमेंट। तो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर हम देखा जाए इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो जो इसका मोमेंट अबाउट द एफ जो होगा यानी फलक्रम या आपका ज्वाइंट इज होगा इज डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एल माइनस पी इंटू एल इजकल टू जीरो, तो इजकल टू जीरो, तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एल इंटू इजकल टू पी इंटू एल। यहाँ से हम अगर पी गिवन दिया गिवन है तो आप डब्ल्यू निकाल सकते हैं, अगर डब्ल्यू गिवन है तो आप पी निकाल सकते हैं, यानी लोड अगर गिवन है तो आप एफर्ट निकाल सकते हैं, अगर एफर्ट गिवन है तो आप लोड निकाल सकते हैं। ओके, बट इफेक्टिव लेंथ ऑफ आर्म दिया होना वो दिया रहेगा फॉर डिजाइनिंग पर्पस। ओके, सो यहाँ से हम डब्ल्यू या पी में दो कोई चीज़ हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ये है आपका एक्चुअली हमने लिया है यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल है, जो क्रॉस सेक्शन है इसका एल इसका है राइट एंगल पे, यानी दोनों जो आर्म है जो एंगुलर पोजीशन है दोनों आर्म का वो है 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे है तो हम जानते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स के थ्रू हम इसका रिजल्टेंट दोनों का निकाल लेंगे। अब दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, क्योंकि 90 कॉस 90 डिग्री होगा हम जानते हैं रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो आरएफ का जो रिजल्टेंट रिएक्शन होगा किस पे, ये रिजल्टेंट रिएक्शन होगा आपका पिन पे। तो पिन पे जो रिजल्टेंट रिएक्शन होगा ओके वो होगा आपका लोड का स्क्वायर प्लस एफर्ट का स्क्वायर रूट अंडर। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। ओके, एंड डिजाइन ऑफ फलक्रम पिन, तो हम करते हैं डिजाइन ऑफ फलक्रम पिन स्टार्ट करते हैं। तो लीवर जो है हमारा आप देख सकते हैं ये फलक्रम है, तो जो भी हमारा लीवर है बेलकनिक लीवर है वो पाइवोटेड है किस पे, फलक्रम पे। तो फलक्रम पे पाइवोटेड है तो वो पिन ज्वाइंट के थ्रू क्या होगा, पिन ज्वाइंट के थ्रू क्या हो पाइवोटेड होता है, जिसे कि पिन ज्वाइंट के थ्रू क्या करे वो रोटेट कर सकता है उसके अबाउट रोटेट कर सकता है, पिन ज्वाइंट के थ्रू क्या करता है रोटेट कर सकता है उसके अबाउट इस फलक्रम के अबाउट। तो जो पिन है तो पिन का भी हमको डिजाइन करना होगा। तो हमने मान लिया जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए, ओके ए है आपका ए, तो जो इनर साइकिल है इनर जो है आपका इनर आपका जो है आप जो इनर सर्कल है यहाँ पर जो इनर सर्कल है ये है डायमीटर ऑफ पिन। ओके, जो सर्कल है वो इसका जो डायमेंशन होगा मान लीजिए डायमीटर ऑफ पिन हमारा डी पी है। ओके, और ऊपर है ऊपर जो सर्कल है अपर टाइप वो है आपको ये बुश लगा रहता है बिटवीन द दोनों पिन के बीच, क्योंकि दोनों पिन के बीच क्या करेंगे बुश लगा रहता है। तो बुश को हमको डिजाइन करना, हमको डिजाइन करना होता है पिन का, जिससे वो क्या कर जो टोटल लोड को क्या करेगा वो बियर करेगा, इसलिए डिजाइन ऑफ पिन हम स्टार्ट करेंगे वहीं। तो इसी पर तो टोटल लोड आएगा पिन पे, तो उसको वो डिजाइन करना नेसेसरी है। ओके, तो डिजाइन ऑफ पिन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम एज्यूम किया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर डिजाइन डाटा बुक जो एलपी होगा, यानी लेंथ एलपी जो है आपका लेंथ ऑफ पिन है, डीपी क्या है डायमीटर ऑफ फलक्रम पिन है, जो वही पिन है उसका डायमीटर है। तो एलपी और डीपी का जो रेशियो होता है फ्रॉम डिजाइन ऑफ डाटा बुक 1.25 हमेशा लेते हैं, यानी अगर हम डीपी लिए तो एलपी जो अगर एल डीपी अगर मान लीजिए डायमीटर डीपी है तो एलपी हो जाएगा 1.255 इंटू डीपी। ओके, तो अब देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी कैन सी, तो यहाँ पे जो उसका हो जो पिन होगा पिन का अपना प्रोजेक्शन एरिया होगा, प्रोजेक्शन एरिया क्या होगा डायमीटर जो होगा, क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया अगर पिन है आपका सिलेंड्रिकल पिन है
तो इसका प्रोजेक्शन एरिया जो होगा ए रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर शेप होगा। तो रेक्टेंगुलर शेप है तो रेक्टेंगुलर शेप का डायमीटर क्या होगा, तो यहाँ पर डायमीटर जो होगा उसका देगा विड्थ देगा, और उसका जो लेंथ है पिन का वो देगा उसके लेंथ को, ठीक है। तो लेंथ इंटू डी पी उसका क्या प्रोजेक्शन एरिया दे देगा, क्योंकि उसका प्रोजेक्शन एरिया होगा सिलेंड्रिकल पिन का, जो क्यों जो पिन होगा मैं सिलेंड्रिकल होगा तो उस का प्रोजेक्शन एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर होगा, तो इसलिए हम क्या होगा उसका जो क्रॉस सेक्शन प्रोजेक्शन एरिया क्या होगा एल पी इंटू डी पी। ओके अब देखें पी बी जो है आपका पी बी है आपका बेयरिंग प्रेशर, चूँकि हम लोड लगाएंगे, चूँकि एफर्ट लगेगा लोड उठाएगा एफर्ट लगाएगा, तो जो बेयरिंग प्रेशर कौन सस्टेन करेगा, बेयरिंग प्रेशर सस्टेन करेगा आपका फलक्रम, तो फलक्रम बेयरिंग प्रेशर सस्टेन करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे जो यहाँ टी सफिक्स बी है आपका ये बेयरिंग प्रेशर है। तो आप जानते हैं फोर्स इजकल टू होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो जो यहाँ पर जो तो आर एफ जो है आपका आर एफ क्या है रिएक्शन फोर्स है, और रिएक्शन फोर्स हमेशा जो रिएक्शन फोर्स आएगा दोनों का पी का एफर्ट का और लिफ्टेड लोड का वो उसके जस्ट बीचों बीच आएगा ऊपर की तरफ बीचों बीच, यानी इसका रिजल्टेंट होगा दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट आएगा ऊपर की तरफ। अब बेयरिंग प्रेशर जब जाएगा क्या जस्ट उसके बेयरिंग प्रेशर क्या होगा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा जो आर एफ है यहाँ पर हम आर एफ डिनोट किया है, रिजल्टेंट फोर्स के बेयरिंग जो प्रेशर होगा वो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ओके तो इसलिए आर एफ होगा क्या पी बी इंटू एल पी इंटू डी पी। ओके पी बी इंटू एल पी इंटू डी पी इजकल टू आर एफ। ओके तो जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है वो हो जाएगा बियरिंग प्रेशर इंटू प्रोजेक्शन एरिया, और यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे क्या डायमीटर ऑफ पिन, तो डायमीटर ऑफ पिन आ जाएगा तो एल पी हो जाएगा 1.25 इंटू डी पी। ओके तो इससे हम डायमीटर और पिन का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। ओके अब देखिए जो पिन है एक तो हो गया इतना इसका डायमेंशन निकाल लिया, जो पिन है हमारा वो शेयरिंग के थ्रू शेयरिंग उसमें फेल्यूअर होगा, यानी दोनों जो इसका बीच वाला पार्ट दो, क्योंकि जो आपका जो बिलक्रेंक लीवर है उसका दो पार्ट होगी, एक एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में पिन जॉइंट, उसी पिन के थ्रू जॉइंट होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा लीवर को, जैसे आप कल का अब हैंड पंप देखे होंगे, तो हैंड पंप पे जो सपोर्ट लगाया जाए जो फलक्रम होगा वो दो तरफ से सपोर्टेड होता है, तो जो यहाँ पर अगर लोड लगेगा तो शियर होगा, अगर कट आउट होगा तो दोनों तरफ से होगा नट, इस लेफ्ट साइड से भी होगा और राइट साइड से भी होगा, इसलिए दो टाइप से हमारा शियरिंग होगा, वहाँ पर शियरिंग कट होगा, इसलिए हम वहाँ पर जो फलक्रम जो शियर होगा वो जो फलक्रम जो पिन फलक्रम पिन सब्जेक्टेड टू डबल शियर, वहाँ पर दो शियर होगा, तो दो शियर होगा तो दो एरिया होगा, और उस एरिया में अगर हम स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका रिजल्टेंट का क्या होगा वो इक्वल होगा, और वहाँ से हम क्या डी पी का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं या स्ट्रेस का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ओके अब देखें अगर आपको डायमीटर ऑफ बॉस ऑफ लीवर अगर आपको निकालना है, देखिए यहाँ पर डी नॉट इज द आउटर डायमीटर ऑफ बॉस, अगर बॉस जो बूस है वहाँ पर बॉस नहीं उसको बूस कहते हैं, ठीक है, तो इसको आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको बूस का डिजाइनिंग नहीं करना होता है। ओके हाँ अब देखिए यहाँ पर डिजाइन ऑफ लीवर टू फाइंड द डायमेंशन ये है हमारा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजाइन ऑफ लीवर के लिए जो टोटल मोमेंट होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा एक्ट नियर टू द बॉस, जो ये बॉस है जहाँ पे वो कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं जहाँ पर वो कनेक्टेड है
ये आपका है जो भी पॉइंट पॉइंट है ना, जो ये कनेक्टेड है, देख सकते हैं ये पॉइंट पॉइंट, ये है बॉस। तो उसका डायमेंशन को अगर आपको फाइंड आउट करना है, ओके, तो ये सब आपको ज़रूरी नहीं है, ये सब आपको फाइंड आउट नहीं करना है, ओके। और ये बस आपको याद रखना है कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का ये वाला डिजाइन ऑफ लीवर टू फाइंड द डायमेंशन। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, फोर्स इंटू एली जो लेंथ है, और उसमें से अगर जो आपका डायमीटर, जो आउटर डायमीटर, जो बॉस का डायमीटर है, उसको हम निकाल देंगे, देख सकते हैं आप बॉस का डायमीटर निकाल देंगे, तो इसके जस्ट बाद का, जस्ट बॉस के जस्ट बाद का लेंथ आ जाएगा, यानी उसका क्रॉस सेक्शन लेंगे। उसी तरह यहाँ का भी जस्ट बाद का क्रॉस सेक्शन लेंगे, ओके। यानी D0/2 अगर निकालेंगे तो जस्ट आपका ए पॉइंट देख रहे हैं, रेड वाला सेक्शन YY, ओके। यहाँ का हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस पॉइंट पे जो होगा आपका टोटल बेंडिंग स्ट्रेस, जो बेंडिंग स्ट्रेस है, जो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस होगा, वो होता है आपका मैक्सिमम पी इंटू एली माइनस D0/2। अब वहीं क्योंकि दोनों तरफ है, ये तो इफर्ट के लिए हो गया, लोड इफर्ट के लिए भी होगा, डब्ल्यू इंटू एली माइनस D0/2, ओके। और यहाँ से आप, क्योंकि सिग्मा बी हम जानते हैं क्या होता है, मैक्सिमम ये कहाँ से, सिग्मा बी इक्वल टू एम बाई में जेड है आपका सेक्शन मॉडुलस, ये आया आपका बेंडिंग इक्वेशन का फॉर्मूला से, ओके। सिग्मा क्योंकि हम जानते हैं बेंडिंग इक्वेशन होता है आपका एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बी बाई में वाई इक्वल टू ई बाई आर। तो यहाँ से हम सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे, तो हमने आपको बोला आप रेक्टेंगुलर सेक्शन ले सकते हैं उसका, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन लेंगे तो जेड इक्वल टू होगा आई बाई वाई, तो जे जो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बी एच क्यू बाई में 12 आप जानते होंगे, बाई में एच एंड एच बाई, और वाई का वैल्यू जो होगा आप इसके लेंथ का हाफ, तो एच बाई टू, इसका ये जो एक्स एक्स है आपका, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ओके। वहाँ से डिस्टेंस होगा एच बाई टू, ओके, अपर फाइबर का, ओके, अपर पार्ट का, एक्सट्रीम पोजिशन का, तो एच बाई टू हुआ। तो यहाँ से जो आया उसका सेक्शन मॉडुलस बी एच स्क्वायर बाई सिक्स। वहीं अगर एलिप्टिकल लेते तो हम पहले भी बता चुके हैं एलिप्टिकल के लिए जो होगा, यहाँ पर बी का वैल्यू, बी है आपका थिकनेस ऑफ लीवर है, देख सकते हैं आप, और एच है आपका डेप्थ ऑफ हाइट ऑफ लीवर, ओके। तो एच जो होगा आपका 2b होगा, 2b या 2.5b के उसके टाइम्स टू टाइम्स ऑफ थिकनेस या 2.5 टाइम्स ऑफ थिकनेस के बीच का वेरी करता है, तो इसमें से कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं, ओके। उसके बाद जेड बराबर आई बाई वाई जानते हैं, क्योंकि सेक्शन मॉडुलस जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई में वाई के इक्वल। तो यहाँ पर जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एलिप्टिकल सेक्शन का, वो होता है आपका पाई बी एच क्यू बाई में 64। और इसका हाफ देखिए, यानी जो इसका सेक्शन मॉडुलस है, यानी न्यूट्रल एक्सिस है एक्स एक्स से, उसका हाइट क्या होगा एच बाई टू, तो एच बाई टू का हम क्या करेंगे डिवाइड किए, और जो सेक्शन मॉडुलस आ गया पाई बी एच स्क्वायर बाई में 32। और यहाँ से हम इसका थिकनेस और डेप्थ या हाइट ऑफ लीवर हम निकाल सकते हैं, ओके। और यहाँ से भी अगर हमारा बी निकालना हो और एच निकालना हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये है आपका डिजाइन ऑफ लीवर। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट इट, ओके। सो थैंक यू।